अभी हाल ही के अंदर मैग टू द ट्रेंच करके एक मूवी रिलीज हुई है, हॉलीवुड की मूवी है। अब उसको मैं थिएटर में तो नहीं देख पाया अभी, क्योंकि वो ओटीटी पर अवेलेबल है, तो उसको ओटीटी पे मैंने देखा। लेकिन उसको देखने से पहले मुझे लगा कि यार इससे मतलब ये सेकंड पार्ट है, ऑब्वियसली इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी बढ़िया रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही मैग वन और मैग टू की चर्चा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैग वन के अलग अलग वीडियो होगी, मैग टू की अलग अलग होगी। मैंने सोचा दोनों को ही कंबाइन रूप से एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने मैग वन पहले देखी, फिर मैग टू देखी। अब स्टोरी की बात करूँ तो देखो दोनों के अंदर सेम स्टोरी दिखाई गई है, कि मतलब कि एक जो फर्स्ट मूवी के अंदर स्टार्ट हुई थी उसी मूवी को आगे कंटिन्यू किया गया, यानी उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया। देखो मुझे ना ये जो पानी वाली जो मूवी होती हैं या फिर जिसके अंदर शार्क वार की सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। मुझे नहीं लगता है यार इसके अंदर कभी मेरा इंटरेस्ट होगा। हाँ वो अलग बात होगी कि कोई जो मेकर्स है, जो प्रोड्यूसर मेकर्स हैं, वो इस मूवी को मतलब कि जो इसकी कहानी को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं इस मूवी को देखने से पहले, और जब मैं इसको देखने बैठा बस ऐसे जस्ट टाइम पास के लिए देखने के लिए बैठा था। खैर ऑब्वियसली हर कोई मूवी टाइम पास करने के लिए देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कहानी की। देखो एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसको लगता है कि समुद्र तल में जाके कुछ गहराई में जाके बहुत कुछ मिलेगा उसको, मतलब मटेरियल मिलेंगे, खनिज पदार्थ मिलेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की वो खोज करेगा जिससे वो पैसा कमा सके। लेकिन वो इतनी ज़्यादा गहराई में चला जाता है कि उससे वहाँ पर उसको एक 50-60 फुट लंबी एक शार्क मिल जाती है। तो अब ये शार्क का कॉन्सेप्ट वहीं से आ जाता है। अब वो शार्क जो है ऊपर आ जाती है और ऊपर आके लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब एक टीम बनाई जाती है या फिर कुछ लोग आते हैं उस शार्क को मारने के लिए। यही कहानी जो है मैग वन में दिखाई गई है और इसी कहानी को आगे कंटिन्यू किया गया है मैग टू के अंदर। तो यार देखो इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आया जब मैं इसको फर्स्ट मूवी देखने बैठा था। सच कहूँ तो देखो फर्स्ट मूवी इसलिए मैंने देख ली क्योंकि मैग टू थी, ऑब्वियसली मुझे लगा बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके तो मैंने इसको देखने बैठा था। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट घटता गया कि भैया यार ये से चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट मूवी तो मैंने देखो बिना ब्रेक के यानी पहली बार में ही देख ली, लेकिन सेकंड मूवी भाई साहब उसको देखने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। सच में 3 दिन सेकंड मूवी को देखने में लग गए, ओटीटी पे ही देख रहा था। तो अब वहाँ पर 3 दिन कैसे लगे, क्योंकि यार इसका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा था। इंटरेस्ट इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि कोई कहानी में इतना दम नहीं लग रहा था और ना ही मुझे कोई एक्शन इतने अच्छे लग रहे थे, या इस एक्शन इतने कोई बढ़िया है नहीं उसके अंदर। हाँ जो मूवी के अंदर अच्छी चीज़ वो है कि जैसे इसके अंदर इन्होंने जो पानी के अंदर चीज़ों को दिखाया गया है, या फिर जो अंडर वाटर के अंदर जो शिप जा रही है, या फिर जो एक सूट जो है सेकंड मूवी के अंदर आता है जो वो पहन के चलते हैं, थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है सेकंड मूवी के अंदर। लेकिन फर्स्ट मूवी इतनी खास नहीं लगी। सेकंड मूवी में हम कह सकते हैं कि थोड़ी टेक्नोलॉजी और अच्छी कर दी गई, VFX काफ़ी अच्छे हैं दोनों मूवी के अंदर। हाँ इन अंदर पानी के अंदर जो एक मतलब कि एनवायरमेंट दिखाया जाता है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ऑब्वियसली हाई क्वालिटी के अंदर देख रहे तो एक थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर मैंने फील किया। हाँ थिएटर के अंदर देखते तो शायद कुछ अलग एक्सपीरियंस होता, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि हिंदी डब में अवेलेबल हैं दोनों की दोनों मूवी। इतनी कुछ खास मुझे वो डबिंग या फिर कहें कि जी मतलब उसमें थोड़ा बहुत बॉलीवुड का भी रेफरेंस लिया गया वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। इंग्लिश के अंदर मैंने देखी, इंग्लिश मुझे फिर भी ठीक लगी, लेकिन हिंदी डबिंग मुझे इतनी खास पसंद नहीं आ रही थी। क्या ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मैग वन और मैग टू, मैग वन इतनी ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी, वो शार्क वाला कॉन्सेप्ट आता है। हाँ थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल डालने की कोशिश किया गया, हाँ नहीं फर्स्ट मूवी में नहीं है, सेकेंड मूवी के अंदर थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल है, लेकिन वो भी इतना कोई इमोशनल आपको करता है नहीं। तो मेरी तरफ से तो देखो दोनों ही मूवी को मैं देना चाहूंगा 3.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। बाकी VFX जैसे मैंने कहा ठीक ठाक है, एक्शन सीन इसके अंदर है नहीं, कॉमेडी कुछ है नहीं। हाँ शार्क वार का कॉन्सेप्ट, आप लोग समुद्र के पास रहते हो, आपने देखा हो शार्क का कोई डर होता होगा तब शायद ये मूवी पसंद आ सकती होगी। लेकिन मैं भाई साहब ऐसी चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ, मतलब कि कभी समुद्र हमने देखा नहीं लाइफ के अंदर, तो हमें नहीं पता वहाँ पे कैसा खतरा होता है। तो एक शार्क को लेके लगे कि और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होगी, तो वो एक फील नहीं होती होगी। क्या वो डायनासोर वाली मूवी पे भी आ जाता है, अरे तुम डायनासोर मूवी तो नहीं मतलब रहते होगे वहाँ पे, जब तुम डायनासोर ही नहीं देखे तो तुम डायनासोर की मूवी से देख के कैसे प्रभावित हो सकते हैं। क्या बक रहा हूँ मैं भी, क्या तो मैंने तो अपनी मतलब अपना ओपिनियन आपको सामने रख दिया है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ओपिनियन से सहमत हो, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। शायद आपको ये पानी वाली जो वाटर के अंदर जो लाइफ दिखाई जाती है या फिर इससे रिलेटेड जो एक एडवेंचर मूवी लाई जाती है आपको शायद वो पसंद आती हो, मुझे वो इतनी खास नहीं लगती है, मेरा तो ओपिनियन यही है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।